यदुकुल का संहार जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही जल जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव को सहन किए हुए था। महाभारत के युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों के मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण से जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़कर के नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए यादवों की मति को फेर दिया। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा आर्ष का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि यादव वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से यदुवंशी पर्व के दिन प्रभास क्षेत्र में आए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर एक भी यादव जीवित न बचा। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाप्रयाण करके स्वधाम चले जाने के विचार से सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो कि उनके पैर के तलुए में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वधाम को पधार गए।